अस्सलाम वालेकुम, नाज़मस तड़का में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल वड़ा। दाल वड़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी मैं, और ये हम बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में बनाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, दाल वड़ा बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले ली हूँ चने की दाल ले ली हूँ मैं, और इसे 2 से 3 घंटे हमें भिगो के रख देना है। अच्छी तरीके से ये दाल फूल जानी चाहिए। उसके बाद में, दाल फूलने के बाद, इसे इसका पानी सारा ड्राई कर लेना, पूरा निकाल लेना है, ज़रा भी इसमें पानी ना रहे। चाहिए तो आप इसे कोई कपड़े में करके रख दीजिए ताकि इसका पूरा पानी अब्सॉर्ब कर ले, सूख जाए, और या किसी छन्नी में रखे, अच्छी तरीके से इसका पानी पूरा निकल जाना चाहिए। देखिए, मैंने एकदम अच्छी तरीके से इसका पानी निकाल लिया है, इसमें पानी ज़रा भी नहीं है, और जो भी पानी एक्स्ट्रा था वो इसमें से निकल चुका है। अब इसे हमें पीस लेना है। यहाँ पे मैं ले ली हूँ एक मिक्सी जार, और इसमें हम दाल को डाल के दरदरा सा इसको पीस लेंगे। चलिए, मैंने इसे पूरा दाल इसमें जार में ऐड कर लिया है, और इसे हमें एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, एकदम बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा हमें दरदरा ही रखना है, तभी दाल वड़े का फ्लेवर, एकदम दाल वड़ा अच्छा बनेगा हमारा। एकदम बारीक पेस्ट या दाल को पीसना नहीं है। और यहाँ पे मैं 3 से 4 चम्मच दाल को यहाँ पे अलग एक कटोरी में रख ली हूँ। ये मैं आपको बताऊँगी कि ये मैंने किस लिए निकाला है। तो चलिए, जब तक इसको हम दरदरा सा पीस लेते हैं। चलिए, ये देखिए, मैंने यहाँ पे इस तरह से दरदरा पूरा पीस लिया है दाल को, और देखिए इसमें एकदम बारीक पेस्ट मैंने नहीं बनाया है, एकदम दरदरा ही है। इसमें कुछ खड़े खड़े दालें भी हैं, ये देखिए, इस तरह से ही हमें पीसना है दाल को। चलिए, अब इसमें हम कुछ मसाले मिलाते हैं। यहाँ पर मैं डाल दूँगी बारीक चॉप किया हुआ अदरक, और बारीक कटी हुई यहाँ पे ली हूँ मैं हरी मिर्च, और यहाँ पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ले लेना है हमें। और इसमें, अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप इसमें सूखी लाल मिर्ची, नॉर्मल लाल मिर्ची को भी बारीक चॉप करके, क्रश करके डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं ले ली हूँ थोड़े से कड़ी पत्ते, इस तरीके से मैंने बारीक इसे काट लिया है। और यहाँ पे ले लेंगे हम हरी धनिया, ये भी ऐड करेंगे इसमें हम, और बारीक कटी हुई बड़े साइज़ की प्याज है वो इसमें ऐड कर देंगे हम, और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें हींग। हींग थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं, और इसमें डाल देंगे हम स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ पे जो हमने दाल पहले निकाल के रख लिया थी, 3 से 4 चम्मच मैंने दाल निकाली थी, वो दाल भी हम इसमें ही ऐड कर देंगे। वो इसलिए, जब हम दाल वड़ा बनाते हैं तो कहीं कहीं, जब दाल पीसे हुए दाल में कहीं कहीं ये जो अक्खे खड़े खड़े दाल दिखते हैं, तो उससे दाल वड़ा बहुत ही अच्छा लगता है, और खाने में भी कहीं कहीं खड़े दाल आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब इन सबको हम हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए, ये देखिए, इस तरीके से मैंने अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया है। अब चलिए फटाफट से इसका हम वड़ा रेडी कर लेते हैं। और बहुत ही आसान से और बहुत ही सिंपल डिश है ये, और बहुत आसानी से बन जाती है। चलिए, अब इसका हम वड़ा रेडी कर लेते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले ली हूँ, और इसमें हम हाथों में तेल लगा लेंगे ताकि दाल हाथों में चिपके नहीं, और थोड़ा सा हम जितना हमें वड़ा छोटा और बड़ा बनाना है उस हिसाब से हम दाल ले लेंगे हाथ में, और इसे अच्छी तरीके से, इस बोल को इस तरीके से कस लेंगे।
ये देखिए इस तरीके से, एकदम इस तरीके से दबा दबा के बोल बना लेंगे पहले। और ये बोल बन जाने के बाद हथेली के इस तरह से हाथों पे रख के और हल्का सा हम प्रेस करेंगे, हल्का सा, ज़्यादा प्रेस नहीं करें, नहीं साइड से दरार आ सकता है। इस तरीके से वड़ा एकदम बढ़िया बन जाएगा और इसे प्लेट में संभाल के हम रख देंगे। इसी तरीके से हम सारे वड़े बना लेंगे। ये देखिए हमने सारे वड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इस चलिए इसे तलने के प्रोसेस पे चलते हैं। चलिए तेल हमारा हो गया है गरम, अब उसमें हम एक एक वड़ा संभाल के डाल देते हैं आराम से। तेल गरम होने के बाद गैस को थोड़ा सा स्लो कर दें और हल्के हाथों से उठा उठा के एक एक वड़े हमें संभाल के डाल देने। और इसी तरीके से सब हम डाल देंगे। मैं यहाँ पे चार पीस डाली हूँ और चार चार करके ही हम तल लेंगे। हल्का हल्का पक जाए तो हम इसे पलटी कर देंगे दूसरे साइड से। और इसे थोड़ा धीमे धीमे स्लो आँच पे इसे हम अच्छे से तल लेंगे ताकि दाल अंदर तक के क्रिस्पी और अच्छे तरीके से पक जाए। चलिए अलट पलट के मैंने इसे अच्छी तरीके से तल लिया है। देखिए एकदम बढ़िया तल चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से हम सारे वड़े तल लेंगे। ये देखिए हमने पूरे वड़े तल के रेडी कर लिए हैं। चलिए इसे गर्मा गर्म फटाफट से सर्व करते हैं। चलिए अब मैं इसे प्लेटिंग करती हूँ इसकी। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही क्रिस्पी बना है दाल वड़ा ये। और रमज़ान के महीनों में ये हम बनाएंगे, झटपट फटाफट से बन जाता है ये दाल वड़ा और बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके साथ मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ खोपरे की चटनी और टमाटर केचप। चलिए इसी के साथ मैं रखूँगी यहाँ पे कुछ तली हुई मिर्ची जो इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं नारियल की चटनी, अगर आपको देखना है कि मैं ये नारियल की चटनी किस तरह बनाई हूँ खोपरे की चटनी, तो मैं पेपर डोसा की रेसिपी में ये चटनी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको ये चटनी की रेसिपी देखना है, पेपर डोसा की रेसिपी देखना है, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो की लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना ना भूलें। इसी के साथ मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।